नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आज और मैं हूं आपके साथ पूनम जैन। भिंड में पुलिस ने नशे के कारोबार करने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए 3 आरोपी उत्तर प्रदेश के मैनपुरी के रहने वाले हैं, जबकि 1 आरोपी भिंड का रहने वाला है। आरोपियों के पास 230 ग्राम स्मैक बरामद की गई है, जिसकी कीमत करीब 23 लाख रुपए आंकी जा रही है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान कार सवार जितेंद्र कुमार, अमित सक्सेना और अंशु सिंह की तलाशी ली तो उनके पास से 180 ग्राम स्मैक जब्त की गई। इसके बाद तीनों की निशानदेही पर पुलिस ने राजकुमार नाम के व्यक्ति को हिरासत में ले लिया तो उसके पास से भी 50 ग्राम स्मैक बरामद हुई। यूपी से स्मैक देने भिंड आए जितेंद्र कुमार, अमित सक्सेना और अंशु सिंह समेत राजकुमार के खिलाफ पुलिस मामला दर्ज कर आगे की कार्यवाही कर रही है। एक कल शाम को सूचना मिली थी कि मैनपुरी यूपी से कुछ लोग जो हैं ये स्मैक का खेप लेके आ रहे हैं और जो भिंड में कुछ लोगों को सप्लाई करेंगे। इसमें हमारी टीम लगा दी गई थी और जो आरटीओ बैरियर है आरटीओ उसमें फूप रोड पे वहाँ एक गाड़ी इंटरसेप्ट हुई जो है और यूपी नंबर की UP80 नंबर की गाड़ी है। तो उससे हमें करीब तलाशी में जो है 180 ग्राम यानी 3 लोगों से अलग अलग जो है 180 ग्राम स्मैक मिली। फिर उनसे पूछताछ किया गया तो पता लगा कि वो यहाँ एक राजकुमार नामक राजावत नामक व्यक्ति को देने आ रहे थे, पूरे में उन्होंने दिया है। फिर उनके रिपोर्ट उनके मेमो के आधार पर राजकुमार के घर रेड किया तो 50 ग्राम स्मैक उनके घर में मिली है। इस तरह से इसमें प्रकरण में 4 आरोपी गिरफ्तार हुए जिनसे 230 ग्राम स्मैक जब्त हुई है, जिसकी इंटरनेशनल कीमत करीब 23 लाख रुपए जो है। तो उन सभी तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और भी आरोपी मिलने की संभावना है? अभी हमारी विवेचना चलेगी, हम जानने और कोशिश कर रहे जानने की कि इसमें और कितने लोग को सप्लाई करते हैं। और इसके पकड़े जाने से मुझे पूरा विश्वास है कि भिंड जिले में स्मैक की जो सप्लाई डिफरेंट रास्तों से हो रही थी उसकी जो मेन जड़ थी इस पर हमने अटैक किया है और अवश्य इस पर अंकुश लगेगा जो है। भिंड से नीरव शर्मा की रिपोर्ट न्यूज आज। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए न्यूज आज।